व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी वंस अगेन बैक फ्रॉम द ग्लोबल बॉक्सर। तो ये रहा सीग्रिया का वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉय इट। आज की प्रॉपर्टी है हबारना विलेज, जहाँ पे हमने चेक इन किया है। तो थोड़ा सा रूम टूर करवा देता हूँ और प्रॉपर्टी कैसी आपको दिखा देता हूँ। एंट्री मार के यहाँ पे कबर्ड है छोटा सा, यहाँ पे एक फ्रेम है, ये बेसिक वाला बाथरूम है एंड दैट्स द बेड एंड हाइट ऑलमोस्ट डबल है रूम का। एक टेलीविजन है बस। हमारे होटल से सिग्रिया रॉक सिर्फ 15 से 20 मिनट दूर था और रास्ते में एक फार्म दिख गया, तो सोचा यहीं पे जैकफ्रूट ट्राई कर ले। बहुत ही अच्छा टेस्ट था, विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, एवरीथिंग वाज नेचुरल। और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे फ्रूट्स भी थे बट टाइम कम था। भाई तू क्यों आ रहा है? तू तो रोज का मेंबर है इधर। हाँ क्या चाहिए क्या तेरे को? क्या चाहिए क्या तेरे को भाई? लाइफ में सब तो शॉर्ट है यार। दारू वारू पिएगा? कुछ तो पिएगा, थम्स अप विस्की, रेड वाइन पिएगा, कुछ काम का नहीं है। ये राइट साइड में जो है वाटर गार्डन है, यहाँ पे इसको मिनिएचर गार्डन भी बोलते हैं। तो अब ये रहा इनका जो मेन मैप है सिग्रिया रॉक का, वो ये है। ये किंग कश्यप ने मनाया था ऐसे लोग बोलते हैं। और सबसे मेन स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हर एरिया को नंबर्स दिए गए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के हिसाब से, मतलब उससे भी ज़्यादा नंबर्स थे। तो एंट्री पॉइंट में ये जो ब्लू कलर का देखो एक सर्कल किया गया है, वो है पॉन्ड। यहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए गए थे और वहाँ पे क्रोकोडाइल्स प्लांट किए गए थे, ताकि जो दुश्मन अगर चालाकी से घुसे तो वो क्रोकोडाइल्स को वहीं से छोड़ सकते हैं फॉर डिफेंस अटैक। ये छोटे पॉन्ड्स बहुत सारे थे, उसकी और एक वजह थी कि यहाँ से जो पानी स्टोरेज होता था वो विंडमिल सिस्टम से सीधा ऊपर चले जाता था रॉक की तरफ, जहाँ पे राजा कश्यप रहते थे। बिकॉज नीचे से ऊपर पानी लेके जाना हाथ, मतलब हाथ में जो भी कोई भी वेसल या किस में पकड़ के, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। बिकॉज चलना बहुत है ऑब्वियसली, 1200 स्टेप्स है। तो उस सिस्टम को ईजी करने के लिए इन्होंने विंडमिल सिस्टम से सीधा पानी कैसे ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए वैसा प्लानिंग किया था। अगर आप पूछेंगे कि पानी कहाँ से आता था, तो उसका भी जवाब है मेरे पास। बिकॉज यहाँ पे ऐसे बोलते थे कि जो बारिश का पानी आता था वो यहीं पे स्टोर होता था ये पॉन्ड्स में, और वही इन लोग चालाकी से बचाते थे और ये सीधा ऊपर ट्रांसफ़र करते थे। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि 1500 साल पहले भी इतने मतलब होशियार लोग रहते थे और काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट थे ये लोग। बिकॉज़ इन लोगों ने उसी तरह से प्लानिंग करके रखी थी। और यहाँ की स्टोरी मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ सिग्रिया। यहाँ पे हम लोग टिकट स्कैन वैन कराएंगे और अभी अंदर जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम लोग एंट्रेंस पहुँच गए सिग्रिया का एंड दिस इज हाउ इट लुक्स बिहाइंड। लेक जैसा है कुछ पीछे। ये तो एक छोटी सी झलक थी, 1000 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर दिए थे, अभी 200 स्टेप्स बचे थे। और कुछ ऐसा दिखता है, ये लेफ्ट और राइट साइड में आप जो क्लॉथ देख रहे हैं उसके पीछे भी एक राज है, वो मैं आपको बताते जाऊंगा। एंड दिस इज द लुक ऑफ द सिग्रिया रॉक विच इज सो ब्यूटिफुल, सच अ ब्यूटिफुल पीस। जब भी आऊंगा तो करूंगा, और फिर अभी आया हुआ और यू नो नहीं हो पाया अगर पूरा तो हो जाएगा मेरे साथ पूरा। तो फाइनली हम पहुंच गए लायन रॉक यानी कि सिग्रिया। इसको सिग्रिया इसके लिए बोला जाता है क्योंकि सिग्रिया है, उसका मतलब है लायन रॉक। सिग्री मतलब लायन एंड रिया मतलब रॉक, इसका ये मतलब है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द 8th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, श्रीलंका में बोलते हैं ये 8वां अजूबा है, आई डोंट नो कितना सच है। और ये जो रॉक है पूरा वो सी लेवल से 370 मीटर ऊपर है, मतलब सोचो कितना चलना पड़ेगा। अभी से हवा निकल गई और फट रही है कि कैसे पहुँचेंगे। अभी 4:30 बजे है एंड टिकट रेट्स के बारे में बोलेंगे तो सार्क कंट्रीज़ के लिए $15 है और दूसरों के लिए यानी फॉरेनर्स के लिए $30 है। थोड़ा सा महंगा है बट स्टिल ये मतलब सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है श्रीलंका का। अगर आप श्रीलंका आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आना ज़रूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्रीलंका के अनुराधापुरा में एक राजा रहता था जिसने 2 शादियां की थी। पहली शादी से जो लड़का था उनका नाम था कश्यप, और दूसरी शादी से जो लड़का हुआ वो ऑब्वियसली कश्यप का सौतेला भाई था।
कश्यप का सौतेला भाई श्रीलंका में ज़्यादा नहीं रहता था और कुछ सालों बाद वो इंडिया चले गया। लेकिन राजा यही चाहते थे कि कश्यप का सौतेला भाई उनकी सारी जायदाद, उनका जो पावर है, उनका जो किंगडम है, वो वही हैंडल करे। तो इस बात से कश्यप को बहुत सारी इनसिक्योरिटी हुई। कश्यप उनका पहला लड़का था तो कश्यप नहीं चाहता था कि उसका सौतेला भाई ये सब संभाले। तो कश्यप ने अनुराधापुरा से 60 किलोमीटर दूर यानी कि सिगरिया में अपना ऐसा किंगडम बनाया जिसे कहते हैं सिगरिया रॉक। और ये जो कुछ भी बनाया गया है, मैप आपको दिखाया, पूरी चीज़ें कश्यप ने ही बनाई थी और उनकी आर्मी ने। कश्यप की और उनके पिताजी की यानी कि राजा की बनती नहीं थी और कुछ कुछ डिफरेंसेस थी, कुछ ईगो प्रॉब्लम्स थे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग में कश्यप ने उनके पिताजी को मरवा दिया। उसके बाद जो उनका सौतेला भाई था वो इंडिया से श्रीलंका रिटर्न आ गया। कश्यप अपने सेना और हथियार के साथ तैयार था और सामने नीचे उनका भाई था। उस समय कुछ ऐसा ट्विस्ट आ गया कि लोगों को पता ही नहीं था क्या होने वाला है। गलती से हाथी ने कुछ ऐसा इशारा कर दिया, अपने पैर पीछे ले लिए, तो सेना को लगा कि कश्यप ने हार मान ली। उस वक्त सारे सैनिक ने अपना साथ छोड़ दिया और पीछे हट गए और चले गए। यहाँ पर कश्यप को कुछ ऐसा फील आ गया, मतलब कि उन्होंने तलवार निकालकर अपनी खुद की नस काट दी। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो ऊपर 1200 स्टेप्स के ऊपर के जो हाइट थी, जहाँ पर रॉक है एक्चुअल, वहाँ से उन्होंने सुसाइड कर ली। अब कौन सी कहानी सच्ची है, कौन सी गलत है, वो तो श्रीलंका के लोगों को पता है। ये जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय कश्यप को ऐसा भी लगा होगा कि अगर अकेले लड़ना है उससे अच्छा सुसाइड ही क्यों ना कर ले, या फिर कोई ईगो प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ और ही होगा। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तो होने ही लगा होगा, बिकॉज उसने भी कुछ गलत किया होगा। ये थी कश्यप की कहानी। और दूसरी कहानी ये है कि लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे रावण आते थे और उनका यहाँ पे सोने का महल था। अभी सोना होना तो कुछ दिखा नहीं यहाँ पे हमको, और उनका आना जाना यहाँ पे बनता था कि नहीं वो भी यहाँ के लोगों को पता नहीं है। तो सच क्या है, क्या झूठ है, वो तो अभी पता नहीं। तो भाई इस स्टोरी के दो ही कंक्लूजन हैं, या तो ये रावण का गोल्डन पैलेस होगा या फिर ये किंग कश्यप का किंगडम होगा जिसे बोलते हैं सिगरिया रॉक। ये एक चीज़ राज ही रह गई है। अगर आपको भी इसके बारे में, इस जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे आने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोलंबो से हबराना बस भी कर सकते हो, या फिर कोलंबो से हबराना ट्रेन भी कर सकते हो, और एक ऑप्शन है अनुराधापुरा से यहाँ पर हबराना तक एक ट्रेन है, वो भी आप ले सकते हो, और चौथा ऑप्शन ये है कि आप बाय रोड भी आ सकते हो। तो भाई बहुत सारी बातें हो गई है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभिषेक को फुल टाइम ट्रैवलर बनना था, जॉब वॉब बिजनेस छोड़ के, अभी शक्ल देख के ही फटी पड़ी है। हवा टाइट हो गई है, मैं सोचूं यहाँ से ड्रॉप करके नीचे चली जाओ। इधर की प्लेस की हिस्ट्री से ज़्यादा यहाँ का जो चढ़ना है वही खतरनाक है। ये रहा, अभी तो 10% ही पार किया है और व्यू ऐसा है, अभी तो असली मजा अभी ऊपर है। यहाँ पे और फटने वाली है, मेहनत देख लो इधर ऊपर जाने की। बैंड बच चुकी है, अभी आधा भी नहीं पहुंचे हैं। बैंड बच चुकी है, सब कपड़े गीले हुए हैं। क्लीन बोल्ड, हाँ क्लीन बोल्ड है, अभी उधर तक जाने गए। वैशाली ने तो पहले जवाब दे दिया मैं ना। पापा की परी क्या बोल रही है? पापा की परी नहीं जा पाएगी भाई। हिम्मत दे रहे सब, बट देखे अब जाए। और से बोलो जय माता दी, और चलते रहो। ऊपर कुछ खजाने मिलता है यार, क्या पता हीरा मिलता है। हाँ हीरा कुछ नहीं मिलने वाला है, बाबा जी का टुल्लू नहीं, बाबा नहीं, जी नहीं। इतना आई थिंक श्रीलंका तक आया तो ये तो करना बनता है, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जम के खाएंगे रात को पार्टी। हमारा मोटिवेशन है। यस चलो 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 चलो। बस हम लोग वहीं पे थे, वहाँ से चल के इधर आए। वो लाइन दिख रही है आपको? हाँ बस वही लाइन, वहाँ से हम लोग चल के इधर आए। फटी पड़ी है यार, तो अभी से गिव अप कर दिया है। इसको मिरर वॉल बोलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोग्राफ भी किया हुआ है बहुत लोगों ने। Who used to do? The kings used to do the autograph? No, the people who visit here. अच्छा, जो लोग यहाँ पे आते थे घूमने उन लोगों ने ऑटोग्राफ डाल दिया है भाई। The tourists. Are they allowed? No, nowadays not allowed. अच्छा, वो पहले ओके, पहले अलाउड था, अभी अलाउड नहीं है भाई। But
these graffitis are written thousands of years back. ये भी पॉप व्यू है इधर से भाई, ऊपर से। ये गार्ड्स का एरिया था, यहाँ पे गार्ड्स लोग खड़े रहकर डिफेंड करते थे। और वो जो पत्थर आपको दिख रहा है झाड़ के पीछे बराबर, उसके नीचे थोड़ा बहुत स्टैंड जैसा कुछ है। आपने जूम करके दिखा रहा हूँ, एक दो पत्थर खड़े हैं। अगर बाई चांस कुछ एनिमीज आते हैं नीचे से अटैक करने के लिए, तो इन लोग ये वो पत्थर को पुश करके सीधा नीचे ढकेल सकते हैं फॉर अ डिफेंस अटैक। तो आप देख सकते हो, देखो वहीं पे एक गैप है छोटा सा। यहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया है, ऊपर से एक छोटा सा वाटरफॉल है। पता नहीं पानी का लीकेज है कि क्या सीन है। आ गए हैं लायंस फीड के वहाँ पे पीछे, आपको देख रहा है। इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी। 15th century के बाद यहाँ पे कोई रूल करने के लिए था नहीं, तो यहाँ के जो लोकल लोगों ने जितना भी उनको लगा तो उन्होंने मेंटेन किया। लेकिन उसके पहले ये जो आपको पैर दिख रहा है, 10% लोग बोलते हैं कि ये गरुड़ का पैर है, और बाकी के 90% लोग बोलते हैं कि ये लायन का पैर है। मतलब कुछ आइडिया नहीं, कोई गारंटी नहीं किसी की बात की, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। बट मुझे भी लायन का ही लग रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एंड ऐसे पहले बोला जाता था कि यहाँ पे लायन का फेस भी था बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ के वेदर कंडीशंस इतने ख़राब थे कि वो फेस भी डैमेज हो गया था यहाँ के हवा से, पानी से, पता नहीं डिस्ट्रॉय हो गया। अभी सिर्फ बचे हैं तो बचे हैं ये पैर। तो भैया सिगरिया रॉक के टॉप पर पहुँच गए, देख लीजिए यहाँ पे आजूबाजू कुछ भी नहीं है, तो ऊपर से ऐसा दिखता है बिल्कुल मस्त क्लीन है। एक चीज़ अच्छी है भाई, क्लीनलीनेस के लिए स्पेशल बॉक्स रखा गया है प्लास्टिक बॉटल्स का। ये दूसरी टूरिस्ट जगह जैसा नहीं है जहाँ पे सब कुछ भी कचरा वचरा फेंकते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो सामने आप देख रहे हो माउंटेन, उसका नाम है पिदुरंगला। तो जो लोग सिगरिया नहीं जाते वो वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ का बेटर व्यू मिलता है और अच्छे से देखने मिलता है। और वहाँ पे आई थिंक चार्जेस नहीं है, कुछ भी चार्जेस नहीं है, आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। फ्री है ना वो, उसके चार्जेस नहीं है ना? चार्जेस 1000। अच्छा सॉरी 1000 रुपये है वहाँ के, बस यहाँ का 3000 है, वहाँ का 1000 है। तो वहाँ से भी यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो सिगरिया सनसेट के लिए भी फेमस है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी कुछ फोटोज नहीं खींचना है, बस सनसेट एंजॉय करना है। मतलब यहाँ पे बैठ के सुकून जो मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते यार। लव फ्रॉम इंडिया, वेलकम टू श्रीलंका। भाई सिगरिया की ट्रिप खत्म हो रही है, थैंक्स टू द टूर मैनेजर रजानी, थैंक यू, एंड अपूर्वा सक्सेना, इनका यूट्यूब चैनल है प्रतीक जैन व्लॉग्स। ये तो भाई पहले से फेमस आदमी है, इसका इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो भी चलेगा। और मैडम वहाँ पे बैठी है, द ग्लोबल बॉक्सर। भाई अगर आ रहे हो तो 6 बजे तक ही आना है यहाँ पे, 6 बजे के बाद कल्टी मारनी है, क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड है वो आपको नीचे भगा देगा। कल्टी मार लेना फटाफट, चुपके से कल्टी मार देना, यहाँ पे रुकना नहीं है 6 बजे के बाद। तो बॉस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और क्या क्या क्वेश्चन है इस प्लेस के बारे में कमेंट सेक्शन में डाल दो। चलो बाय। यहाँ पे होटल पहुँचते ही सरप्राइज़ मिल गया, ये लोगों ने लुंगी पहना दी थी जिसे श्रीलंका लैंग्वेज में सरोंग बोलते हैं। और एक स्पेशल डिनर का अरेंजमेंट हुआ था, बहुत ही मज़ा आ गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नए लोग प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। लुंगी स्पेशल सरोंग, श्रीलंकन सरोंग।